पूर्व मंत्री जीएस बाली प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी भी समय है, सरकार को विचार करना चाहिए कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। आज कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में स्थिति सबके सामने है। जो लोग पहले रोजगार में लगे थे उनके भी रोजगार छिन गए हैं। आज बेरोजगारों का आंकड़ा भी प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है। वाली ने कहा कि देश की इकोनॉमी भी लगातार गिर रही है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। सरकार को अपनी लड़ाइयां छोड़कर समस्याओं व देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। वहीं बाली ने कहा कि मैं भाजपा की आंतरिक लड़ाई पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सीएम इसके बावजूद भी चाहे तो प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में ऐसा नहीं हो रहा है। शुरू होगी सर, देखिए मैं इनकी पार्टी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। गुटवादी होते हुए भी मुख्यमंत्री अगर काम करना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है। अपनी पॉलिसी ठीक करें, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करें, सब कुछ ठीक चल पड़े। देखिए कार्य प्रणाली तो तब है जब कोई कार्य हो रहा है, तब कार्य प्रणाली की बातचीत होती है। अभी तो कोरोना काल में बड़ी परेशानी से सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है, और कोरोना की दहशत जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इकॉनमी फेल हो चुकी है, रोजगार बेरोजगार हो गए, बेरोजगार पहले ही बेरोजगार थे, लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। बड़ा मुसीबत का समय है और सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि इकॉनमी को रिवाइव कैसे करना है, बच्चों को रोजगार कैसे देने। ये सारी चीज़ जो है ये तब होगी जब सरकार अपने झगड़ों से बाहर आकर के प्रदेश की जनता की सुध बुध लेगी, और जो कमिटेड प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए इन्होंने कमिट किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रेलवे लाइन का ब्रॉडगेज करना और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट जो शिमला से मटोर था और पठानकोट से चक्की से जो मंडी तक था, ये सारे प्रोजेक्टों को दोबारा से चालू करके तेजी लाना, तभी जा करके इकॉनमी जो है प्रदेश की ठीक है। सरकार ने कहा 2 लाख लोगों को रोजगार भी देगी, अब 3 साल में तो 200 को नहीं मिला, तो जब 2 लाख को देंगे तब हम इनको शाबाशी देंगे। ये दो लाख की फिगर तो हमने दी है, इनके पास कहाँ से आ गई, और दें तो हम इनको बड़ी अच्छी तरह चाहेंगे कि इनको शाबाशी मिले।